वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 17 जर्नी ऑफ अ लेटर पार्ट 2। नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी। तो आपका लेटर बॉक्स जो है वो रेडी हो गया है। ड्रॉप योर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। तो आपका लेटर जो है उनको लेटर बॉक्स में ड्रॉप करना है। Now wait to receive the letter written to you by your friend। तो आपका फ्रेंड ने आपको जो लेटर लिखा है तो वो लेटर को रिसीव करने के लिए आपको वेट करना है। One child will act as a postman। तो एक चाइल्ड को पोस्टमैन बनना है। He or she will take out the letters from the letter box and distribute them to all the children। तो जो बच्चा पोस्टमैन जो बना है तो उन्होंने लेटर उनको क्या करना है, लेटर बॉक्स में से सब लेटर जो है वो उनको निकालना है, बाहर निकालना है लेटर को, एंड सभी बच्चों को चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिड यू एंजॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर। तो आपके फ्रेंड्स का लेटर पढ़ने में आपने आनंद लिया। जस्ट एज यू रॉट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द सेम वे योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मस्ट ऑल्सो बी सेंडिंग लेटर्स टू यू। तो आपने आपका फ्रेंड को लेटर लिखा, ऐसे ही सेम वे में आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी आपको लेटर सेंड करते ही होंगे। तो आपने जैसे कैसे आपने आपके फ्रेंड्स को आपने लेटर लिखा, तो वैसे ही आपके जो जो भी फ्रेंड्स होते हैं और रिलेटिव्स जो भी होते हैं तो वो भी आपको लेटर सेंड करते ही होंगे। ब्रिंग सम लेटर्स फ्रॉम होम टू स्कूल। तो होम से सम लेटर स्कूल पे ले जाना है। सी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर। तो देखना है कि कितने डिफरेंट टाइप के लेटर है। अब हम आगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन दिस लेटर। तो ये लेटर में आपने क्या डिफरेंस फाइंड किया, तो उसका आंसर देखते हैं। लेटर्स आर ऑफ मेनी टाइप्स। द मेन टाइप्स आर पोस्टकार्ड, इनलैंड लेटर एंड एनवेलप। लेटर्स के मेनी टाइप्स होते हैं, तो उनका मेन टाइप्स क्या है, पोस्टकार्ड, इनलैंड लेटर एंड एनवेलप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which letters have stamp on them? तो कौन से लेटर्स पे स्टैम्प होता है, तो उसका आंसर देखते हैं। ऑल द लेटर्स हैव स्टैम्प ऑन देम। तो सभी लेटर्स के ऊपर स्टैम्प तो होते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर ऑल द स्टैम्प्स सिमिलर, व्हाट आर द डिफरेंसेस। के ऑल द स्टैम्प्स सिमिलर है तो उनमें डिफरेंसेस क्या है, तो डिफरेंट स्टैम्प हैव डिफरेंट प्राइस विच इज रिटर्न ऑन देम। तो डिफरेंट स्टैम्प जो है उनकी डिफरेंट प्राइस होती है, तो उनके ऊपर लिखा हुआ ही होता है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर ऑन डिफरेंट स्टैम्प। तो डिफरेंट टाइप का पिक्चर जो है वो डिफरेंट स्टैम्प के ऊपर होता ही है, तो डिफरेंट जो भी स्टैम्प होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के पिक्चर होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर्स। तो उसका आंसर देखते हैं, यस आई हैव सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर्स। अब हम आगे देखेंगे, कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट देम बिलो। तो आपको डिफरेंट टाइप्स के स्टैम्प को कलेक्ट करना है, तो इधर आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स के स्टैम्प को इधर पेस्ट करना है, तो ये आपको खुद करना है। तो आप अपनी तरीके से डिफरेंट टाइप के स्टैम्प को कलेक्ट करना है, तो उनको इधर सब जगह आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। अब हम आगे देखेंगे, रिकॉग्नाइज द थिंग्स विच वी फाइंड इन पोस्ट ऑफिस एंड राइट देयर नेम्स। तो पोस्ट ऑफिस में जो भी चीजें मिलती है तो उन चीजों को हमको आइडेंटिफाई करना है एंड उसका नेम लिखना है।
तो इधर ये पिक्चर दिया गया है वो किसका पिक्चर है, उनको क्या कहते हैं, पोस्टकार्ड, क्या कहते हैं, पोस्टकार्ड कहते हैं। उसके बाजू में जो पिक्चर दिया गया उसको क्या कहते हैं, इनलैंड लेटर, क्या कहते हैं, इनलैंड लेटर कहते हैं। तो उसके बाजू में जो पिक्चर दिया गया है उसको क्या कहते हैं, एनवेलप, क्या कहते हैं, एनवेलप कहते हैं। नेक्स्ट जो पिक्चर दिया गया है उसको क्या कहते हैं, पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प कहते हैं। उसके बाजू में जो पिक्चर दिया गया है उनको क्या कहते हैं, रेवेन्यू स्टैम्प, और उसके बाजू में जो पिक्चर दिया गया है उसको क्या कहते हैं, गोल्ड कॉइन ऑब्लिक बिस्किट भी कहते हैं। तो ये सब चीजें पोस्ट ऑफिस में दिखाई देती ही है, ये सब चीजें हमने आइडेंटिफाई भी कर ली और उसका नेम्स भी हमने लिख दिया। अब हम आगे देखेंगे, राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्टकार्ड गिवन बिलो। तो नीचे पोस्टकार्ड दिया गया है तो उसके ऊपर आपको अपना फुल एड्रेस लिखना है, तो ये पोस्टकार्ड दिया गया है तो उसके ऊपर फुल एड्रेस लिखना है, तो इधर आपको आपका पूरा एड्रेस इधर लिखना है। तो ये एक्टिविटी भी आप खुद अपने तरीके से कर सकते हो। अब हम आगे देखेंगे, थिंक एंड राइट, समीरास लेटर रीच बड़ौदा बाय ट्रेन, समीरा का लेटर ट्रेन के द्वारा बड़ौदा पहुंचा। हाउ डू यू थिंक लेटर्स रीच डिस्टेंट प्लेसेस व्हेन देयर वर नो ट्रेन्स, कि जब ट्रेन नहीं थी तब दूर के जो प्लेसेस है तो वहां किस तरह से लेटर पहुंचाया जाता था। तो वो आपने सोचा कि दूर का जो भी प्लेसेस होता है तो वहां किस तरीके से लेटर पहुंचाया जाता था। अब हम आगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू सी इन अ पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस में आपने क्या देखा, तो उसका आंसर देखते हैं, पोस्टकार्ड्स, स्टैम्प्स, एनवेलप, इनलैंड लेटर, मंडी ऑर्डर फॉर्म्स एक्सेट्रा। तो क्या देखा, पोस्टकार्ड स्टैम्प्स देखा, एनवेलप देखे, इनलैंड लेटर्स देखे एंड मंडी ऑर्डर्स के फॉर्म्स वो सब हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन वी सेंड मैसेज एब्रॉड बाय राइटिंग अ पोस्टकार्ड, तो उसका आंसर देखते हैं, नो वी कैन नॉट सेंड मैसेज एब्रॉड बाय राइटिंग अ पोस्टकार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अदर वर्क टेक्स प्लेस इन अ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में अदर क्या वर्क होता है, तो उसका हम आंसर देखते हैं, वर्क ऑफ एक्सेप्टिंग पार्सल्स, मनी ऑर्डर फॉर्म्स एंड मनी टू सेंड टू अवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ये सब अदर वर्क्स होता है। अब हम आगे देखेंगे, विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस, तो आपको पोस्ट ऑफिस की विजिट करनी है, विजिट अ पोस्ट ऑफिस नियर बाय, तो आपके पास जो भी पोस्ट ऑफिस है उनके आपको विजिट करनी है। ऑब्जर्व हाउ लेटर्स रीच हियर एंड आर सेंड फ्रॉम हियर, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से लेटर वहां पहुंचता है, उसको किस तरीके से सेंड किया जाता है, तो उन सबके बारे में आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट अदर वर्क टेक प्लेस हियर, तो दूसरा यहां अदर क्या वर्क होता है, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।